हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है, उनकी लगातार एक कॉमन क्वेरी आ रही है कि हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है CUQP 11 का, वो बहुत अच्छा नहीं गया और हो सकता है हम इतने मार्क्स स्कोर ना कर पाएँ कि हमें DU या फिर BHU में एडमिशन मिल जाए। उस केस में हमारे पास CUET PG में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जिसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं ताकि हमारा ईयर वेस्ट ना हो। तो देखो, मेन तो जो आपके CUET PG की बात करें तो मेन आपको इसके अंदर दो ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो LLB कोर्स ऑफर कर रही है जो रेप्यूटेड है, एक आपकी DU और दूसरी आपकी BHU। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी उनमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो या बहुत ज़्यादा उसकी रेपुटेशन हो, बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका नाम हो, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मेनली आपकी दो ही यूनिवर्सिटी है, DU और BHU। लेकिन फिर भी इन केस मान लो आपका DU में भी एडमिशन नहीं हो पाता है और BHU में भी एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उस केस में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो आपको कैसे पता लगेंगे? तो आप जो CUET PG का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के सेक्शन से आप इनका जो प्रोस्पेक्टस है उसको आप डाउनलोड कर लो, या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसको आप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको CUQP 11 आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी प्रोग्राम वाइज। उसमें आपको जितने भी लॉ के कोर्सेज मिलेंगे CUQP 11 के आगे, उसको आप चेक कर सकते हो। अब देखो, इसके अंदर तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी दे रखी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 24-25 यूनिवर्सिटीज दे रखी हैं जिसके अंदर LLB कोर्स अवेलेबल है, लेकिन इनमें से मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जिसका नाम मैंने खुद नहीं सुना है। इनमें से आधी यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसी हैं जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो इस लिस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको अपना लोकेशन देखना है कि मान लो आप हरियाणा में सिचुएटेड हो, आप यूपी में सिचुएटेड हो, बिहार में हो सिचुएटेड हो, दिल्ली में सिचुएटेड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और अगर आपके स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है तो उस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एक कॉमन क्वेरी स्टूडेंट की ये भी आती है कि क्या अगर मान लो इस ईयर मेरा DU या फिर BHU में एडमिशन नहीं होता LLB कोर्स के अंदर, तो क्या मुझे कोई गैप ईयर लेना चाहिए या फिर मुझे अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए? तो देखो, अगर तो आपने DU LLB का पहले भी अटैम्प्ट दे दिया, यानी कि आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर LLB ही करनी है तो आप किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। अगर मान लो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था और आपको LLB करनी ही है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गैप ईयर तो मत लो। आप चाहो तो किसी और कोर्स में, अगर किसी और कोर्स में आपको इंटरेस्ट है तो साइड से आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और फिर LLB की प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हो, और नेक्स्ट ईयर वाला जो अटैम्प्ट है यानी कि 2024 वाला अटैम्प्ट है उसको आप दे सकते हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसमें फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उसके साथ साथ आप LLB में ही एडमिशन ले लो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ आप जो नेक्स्ट ईयर वाला CUET PG होगा उसका एग्ज़ाम आप दे देना। अगर नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन हो जाता है तो जो इस साल आप एडमिशन लोगे उसको आप कैंसिल करवा के नेक्स्ट ईयर DU या फिर BHU में आप एडमिशन ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मान लो आपको नेक्स्ट ईयर वाला अटैम्प्ट देना ही नहीं है और आपको किसी भी हालत में LLB करनी है, तो उस केस में आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो। देखो, DU और BHU के बाद इस लिस्ट में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है, वो कुछ मुझे खास आइडिया है नहीं। तो मैं आपको दो चार यूनिवर्सिटीज़ के नेम एंड में बता दूंगा कि आप चाहो तो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसकी फ़ीस आपकी ज़्यादा होगी और आपके स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनकी फ़ीस कम होगी। लेकिन नो डाउट जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ पर आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इंटर्नशिप वगैरह के ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और अगर आप NCR रीजन में कोई यूनिवर्सिटी पिक करते हो, जैसे मान लो नोएडा या फिर आपके गुड़गांव साइड में कोई यूनिवर्सिटी आप पिक करते हो, तो उस केस में आप इंटर्नशिप वगैरह भी अपने आप भी अगर इंटर्नशिप करना चाहोगे तो दिल्ली के अंदर आपके हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अगर जैसे देखो मान लो अगर आप हरियाणा में सिचुएटेड है, तो उस केस में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को वहाँ पे उसको एक एक कंसिडरेशन के रूप में ले सकते हो। इसके बाद आप देखोगे बहुत सारी इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। जैसे आप इसमें CUQP 11 सर्च करके ड्रॉप डाउन यहाँ पे करते जाना, तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आपको LLB के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये ऊपर एक गया, ये आप देख सकते हो, हेमवती नंदन ये क्या है, बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है कुछ खास मुझे आइडिया है नहीं, ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारी इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये आप खुद सर्च कर लो। अगर कोई आपको ऐसी यूनिवर्सिटी लगती है जो आपके काम के, तो उसमें आप जा सकते हो।
एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपकी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आप देखोगे तो ये के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है, ये एलएलबी ऑनर्स करवाती है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपकी रहेगी कि एलएलबी और एलएलबी ऑनर्स में डिफरेंस क्या है। तो देखो एलएलबी का मतलब है कि वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि एलएलबी के अंदर जो भी आपके लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एलएलबी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो एलएलबी ऑनर्स आपका पर्टिकुलर कोर्स होता है उसमें किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं लेकिन कोई एक जो आपका लॉ का डोमेन होता है, जैसे मान लो आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, फिर आईपीआर लॉ हो गया, इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे आपका फोकस रहता है। और जो प्लेन आपका एलएलबी रहता है उसमें आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाते हैं। तो आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें जनरली आपको एलएलबी देखने को मिलेगा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ऐसे करते रहते हैं कि एलएलबी ऑनर्स निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, इस तरह से वो करते रहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जनरली आपको एलएलबी ही देखने को मिलेगा। फिर आपका के आर मंगलम यूनिवर्सिटीज है, इसके बाद आप जाओगे तो ये आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टडीज है, इसके अंदर भी आपकी एलएलबी ऑफर की जा रही है। इसके बाद आपका आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है बीकानेर के अंदर, यहाँ पे भी आपका लॉ हो रहा है। इसके बाद आपका निर्वाण यूनिवर्सिटी है जयपुर, इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपका करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, यहाँ पे भी आपकी एलएलबी हो रही है। इसके बाद आपका संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो अगर आप जम्मू के रेजिडेंट हो तो उस केस में आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो या नॉर्थ ईस्ट साइड से हो तो उस इस यूनिवर्सिटी को आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली आपको अपनी लोकेशन देखनी है, उस लोकेशन में आपकी अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी पीजी की लिस्ट में है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड साइंसेज, अब इसका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है। तो जो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उद की तरफ इतना जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली एनसीआर के साइड में और भी काफ़ी सारी हैं उसमें आप जा सकते हो। बाकी इसमें अगर आपके स्टेट से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपके घर के पास हो तो उसको आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेनली आपकी यूनिवर्सिटी, और भी देखोगे तो इसमें और भी आपकी एलएलबी सीओकेपी 11 की लिस्ट में आप नीचे जाओगे तो और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यही है कि मेन तो आपकी दो ही यूनिवर्सिटी हैं, डीयू और बीएचयू। उसके बाद आप मेरे से पूछोगे कि थर्ड नंबर पर बता दो कौन सा है, तो थर्ड नंबर पर ऐसा कोई बताया नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत फेमस हो या जिसका कुछ बहुत ज़्यादा नाम हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल बात तो ये होगी आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इस लिस्ट के अंदर सीयूटी पीजी में कुछ प्राइवेट है, बहुत सारी प्राइवेट है, और कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस केस में आपके स्टेट की अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में है और वो एलएलबी का कोर्स ऑफर करती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाओ अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं। अगर आपको अपने पैसे नहीं बचाने, आपके पास बजट की बजट का कोई इशू नहीं है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई गुमनाम सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी आपकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपके पैसे खर्च होते हैं लेकिन वहाँ पर आपको एक्सपोजर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको गैप ईयर लेना है या नहीं लेना, अगले ईयर का एंट्रेंस आपको देना है या नहीं देना, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद की अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। मान लो आपको नेक्स्ट ईयर का एंट्रेंस देना है तो उस केस में बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे और वहाँ पर आप 3-4 लाख की फीस पे करो या 2-3 लाख की फीस पे करो, वो वहाँ पर सेंस नहीं बनाता। उस केस में आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट नहीं देना और आपको अपने बजट वगैरह का इशू नहीं है तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, वहाँ पे नो डाउट आपके पैसे लगेंगे लेकिन आपको एजुकेशन की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी लेकिन एक्सपोजर वगैरह आपको ठीक वहाँ पर मिल जाएगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वगैरह जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और खासकर अगर आप एनसीआर रीजन में किसी यूनिवर्सिटी को पिक करते हो तो आप अपने आप से भी काफ़ी इंटर्नशिप वगैरह वहाँ पर अपने आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी आती है कि डीयू और बीएचयू में से किसको चूज़ करें। देखो जनरली तो दोनों की कट ऑफ वगैरह मोस्ट प्रोबेबली सेम ही जाएगी क्योंकि बीएचयू में सीट्स कम है, डीयू में सीट्स ज़्यादा है, लेकिन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएचयू के ऊपर डीयू को प्रेफरेंस देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों की कट ऑफ जो है आस पास ही रहने वाली है, लेकिन दो तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपको इंटर्नशिप वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है बहुत सारी, या फिर मुझे कॉर्पोरेट साइड में जाना है, तो उस केस में
बीएचयू से ज़्यादा बेटर आपको डीयू मिलेगा, क्योंकि डीयू दिल्ली के अंदर आपको एक तो बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, इसके अलावा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको मिल जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, कॉर्पोरेट हाउस मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो उस केस में डीयू थोड़ा बेटर होता है। लेकिन मान लो आपका जो गोल है वो प्योरली आपका ये है कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है, तो उस केस में डीयू से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जुडिशरी में जाते हैं, लेकिन जो बीएचयू का सिलेबस है या बीएचयू का जो माहौल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हुए मिलेंगे। इसके अलावा मान लो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको इंग्लिश में स्विच नहीं करना, वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको धीरे धीरे इंग्लिश में स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको हिंदी मीडियम में रहना है, तो उस केस में आपको बीएचयू ज़्यादा प्रेफरेबल आपके लिए रहेगा, क्योंकि बीएचयू में आप हिंदी मीडियम के लिए भी वहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था की जाती है, लेकिन डीयू के अंदर आपको ऑल दो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाएगा यानी कि जो पढ़ाया जाएगा उसमें हिंदी में ही बातचीत की जाएगी ज़्यादातर, कुछ टीचर्स जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे, कुछ सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ आपका रहेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे डीयू के अंदर भी आप दोनों मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन मोस्टली आपको 99% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले देखने को मिलेंगे, लेकिन बीएचयू के अंदर जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो उस केस में अगर आप प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप इंग्लिश मीडियम में स्विच नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप बीएचयू को प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके अलावा एक लोकेशन का भी फैक्टर हो सकता है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप डीयू को प्रेफरेंस दो, अगर आप यूपी में रहते हो खासकर बीएचयू के आसपास रहते हो तो उस केस में आप बीएचयू को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी, कोई आपको स्टेट जाकर जाके ये नहीं बता सकता कि डीयू अच्छा है या बीएचयू अच्छा है, ऑल दो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं डीयू को प्रेफरेंस देते हैं बीएचयू के ऊपर। ये सारी होगी, इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, डीयू और बीएचयू के बाद सीयूईटी पीजी के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको आपको बताया जा सके कि ये यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पर आती है, अगर डीयू और बीएचयू में नहीं होता तो इसमें चले जाओ, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी प्राइवेट कॉलेज की जहाँ तक बात रही तो कुछ प्राइवेट कॉलेज के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आप पर्टिकुलरली जाओ, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात करो, क्या वहाँ पे प्रोसेस पूरा रहता है, कैसी वहाँ पे एजुकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। देखो एक यूनिवर्सिटी आपकी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, हालांकि इसकी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, शायद 15 या 16 लाख रुपये इसकी पूरी एलएलबी की फ़ीस है, लेकिन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है इसकी, लेकिन जो यहाँ पे आपको एक्सपोज़र मिलेगा वो आपको एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको इंटरनेशनल लेवल के जो फैकल्टीज़ वगैरह होंगी वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। ऑल दो यहाँ की फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है वो एक आपके लिए ठीक ऑप्शन रहेगा। अब बाकी जितने भी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाकर पता करना पड़ेगा, या उनकी वेबसाइट पर एक बार जाओ आप, वहाँ पे आपके स्कॉलरशिप वगैरह का क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, तो उसमें आप जा सकते हो। तो एक तो हो गया आपका जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, इसमें आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है, जो एक्सपोजर है वहाँ पे वो ठीक आपको मिलेगा, लेकिन एक ही बात है फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरी आपकी एक अमेठी यूनिवर्सिटी है, नाम आपको पता ही होगा, तो इसमें भी आप जा सकते हो। इसकी फ़ीस जो है आपका, इसमें दो एक्चुअली रहते हैं, एक आपका नॉन स्पॉन्सर्ड रहता है और दूसरा आपका स्पॉन्सर्ड रहता है। स्पॉन्सर्ड की फ़ीस शायद 2 लाख से थोड़ी ऊपर है और नॉन स्पॉन्सर्ड की फ़ीस आपकी शायद 1.5 लाख है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो। और जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेठी वाली, ये आपके सेमेस्टर के हिसाब से है, 1.5 एक सेमेस्टर की, और 2 लाख जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉन स्पॉन्सर्ड वाली, वो आपकी एक सेमेस्टर की ही है, ठीक है। तो ये आपको अमेठी का आप देख सकते हो। इसके अलावा एक आपका लॉयड लॉ कॉलेज है, इसके अंदर भी आपकी एलएलबी होती है, ये कॉलेज भी ठीक है, इसके अंदर भी फीस वगैरह आपकी शायद 3-4 लाख ही इसकी फ़ीस है। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी आपको, ये देख सकते हो। इसके अलावा एक एशियन लॉ कॉलेज है, एडवर्टीजमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसको देखने को मिलेगी होगी आपको, इसमें भी आप देख सकते हो, इसकी फ़ीस वगैरह भी ठीक है। इसके अलावा एक आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उसको भी आप देख सकते हो, जो आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है इसकी आपकी फ़ी थोड़ी कम रहेगी, शायद 1 लाख से कम ही फीस है इसकी, तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप देख सकते हो, इसमें भी एलएलबी का कोर्स होता है और ठीक ठाक एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी आपके कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एक बार देख सकते हो। अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है तो नो डाउट जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल जो है इसमें एक्सपोजर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपको थोड़ा कम बजट यहाँ पे स्पेंड करना तो अमेठी को आप देख सकते हो, इसके अलावा लॉर्ड लॉ स्कूल है इसको आप देख सकते हो,
इसके अलावा गलगोटिया को आप देख सकते हो, ये सारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आप देख सकते हो। बाकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करोगे तो आप ज़्यादा वहाँ पे देख पाओगे कि किस तरह से आपको आगे का स्टेप्स जो है लेने हैं। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। बाकी इन सब चीज़ों में आपकी जो पर्सनल रिसर्च होती है वही आपका मेन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब मैंने आपको एक वीडियो में कुछ चीज़ें बता दी, लेकिन इन चीज़ों के भरोसे आप डिसीजन नहीं बना सकते, आपको अपनी रिसर्च करनी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ आपको देखनी है। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।